हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर यूनिक कुकिंग वर्ल्ड। आज मैं बताऊंगी कि मैं दही कैसे बनाती हूँ। पहले दूध को उबाल लीजिए, फिर ठंडा होने लीजिए, फिर फ्लेम के ऊपर उसके फिर से थोड़ा सा, जैसे कि ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा हो, ऐसे कर लीजिए। बीच बीच में देखते रहें, हाथ को अच्छे से साफ करके एक उंगली से देखते रहें कि वो आधा ठंडा आधा गर्म होगा कि नहीं। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो अभी इसे हमने फुल फ्लेम पर रखा है कि ताकि जल्दी से ऐसा हो जाए। देखते रहें उंगली से हिला हिला के कि ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया। चम्मच से करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। फिर फ्लेम को ऑफ करके इसको जिस भी बर्तन में आपने दही को जमाना हो तो उसमें डाल दीजिए। मलाई के समेत डाल दीजिए, मलाई भी जितनी मलाई होगी उतना ज़्यादा अच्छा दही जमेगा। फिर पहले से ही दही रखना होता है, जो बचा हुआ दही होता है तो उसमें से थोड़ा सा उसको डालना पड़ता है बीच में, थोड़ा सा दही डालना पड़ता है, एक चम्मच या आधा चम्मच। ज़्यादा गर्मी में बिल्कुल थोड़ा सा करना डालना पड़ता है दही, लेकिन अभी थोड़ा मौसम ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए इसको अच्छे से हिला लीजिए, फिर अच्छे से हिलाना है आपको। इसमें दही डाल के, थोड़ा सा दही डाल के दूध में, फिर इसे जहाँ रखना हो वहाँ रख दीजिए। ऐसी जगह रखिएगा कि जहाँ पे ये दही का जो बर्तन है ये हिले ना, कोई हिला ना पाए इसको। तो उसके पास के ऊपर टॉवल रख दीजिए, डबल करके टॉवल से अच्छी तरह से ढक दीजिए इसको कि इसकी गर्मी जो है दूध की वो अंदर ही रहे। इतना गर्म दूध भी नहीं था, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म था, ना ज़्यादा गर्म था ना ज़्यादा ठंडा था। तो अब जब सुबह पूरी रात को इसको ऐसे रखें, सुबह हो तो उसको फिर टॉवल को हटा के देखिए दही जम चुका होगा। ये देखिए कितना अच्छा, अब इसे हिलाती हूँ तो देखो हिलने से भी यहाँ वहाँ नहीं हो रहा है, नहीं हिल रहा है, एक जगह सेट है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल सेट है, सख्त है एकदम से। ये देखिए दही का टुकड़ा कितना अच्छा लग रहा है, कटोरी में परोस के देखिए आप, एकदम से सख्त है। एक बात हो रहा है कि अगर आपको जगीर, उसको जगीर बोलते हैं, जैसे दही डाला था हमने थोड़ा सा, उसे जगीर बोलते हैं, अगर वो थोड़ा ज़्यादा पड़ जाए तो खट्टा हो सकता है दही, तो हिसाब से ही डालिएगा। ये नहीं कि ज़्यादा डाल देंगे तो जल्दी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा।